हे गाइस वेलकम बैक। और अभी हम लोग जो हैं आए हुए हैं फैसलाबाद और यहाँ पे कर रहे हैं मदद मामी लोगों के साथ उनका क्रिसमस ट्री बनाने की। और यहाँ पे ऐसा सामान वगैरह यहाँ पे है जोशवा जो क्रिसमस ट्री को खोल रहे हैं सारे हैं यहाँ पे लोग फुल फन हो रहे हैं। तो यहाँ ये वाला पार्ट हमें निथल गाना था छोटा सा ही बनाना था और ये इतना सा खुल चुका है सारा। तीन पार्ट्स हैं ना तो थोड़ा दो ही बनाए हैं और इसलिए हम लोगों ने उनको दो बनाया क्योंकि इसको हमने वहाँ पुलपट पर रखना है और जोशवा वहाँ पर सारा कुछ सही कर रहा है। और यहाँ पे जो है सोफ़ा जो है बाहर निकालने लगे हैं वो बड़ा सोफ़ा यहाँ पे शिफ्ट करना है तो वहाँ से बड़े सोफ़े से कोई भी बच्चा ऑर्नामेंट वगैरह उतार सकता है तो इसलिए। और यहाँ पे जेम्स के हाथ में है बड़ा क्यूट सा स्नोमैन जो स्नोमैन के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्टार क्रिसमस स्टार। ये वैसे भी मिल जाते हैं नहीं तो आप लोग कॉमिक शीट या पेपर से भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ इस लाइब्रेरी वाली भी लगा रहा हूँ। वाह तो ये हम लोगों ने रात को रेडी कर लिया था और रात को हमने व्लॉग नहीं था हम नया सही से पर अभी एकदम वो यहाँ से लगाएंगे और इसके कलर वगैरह ही चेंज कर रहे हैं तो बताना कैसा लगा। बाकी जोशा ने आपको क्रिसमस ट्री थोड़ा सा दे दिया और बाकी अभी हम लोग जो हैं रेडी हो गया। आज है संडे सैटरडे की नाइट थी हमने क्रिसमस ट्री रेडी कर लिया और अब जो है सुबह हो चुकी है जो कि अब संडे है तो चलो संडे की तैयारी करते हैं। और यहाँ से भी हल्का हल्का नज़र आ रहा है लेकिन कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा। तो जी यहाँ पे चर्च की तैयारियाँ होनी स्टार्ट हो चुकी हैं सब चेयर्स वगैरह लगा दी हैं यहाँ पे और क्रिसमस ट्री अपना वहाँ पे बड़ा हुआ है। आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि इतना बड़ा क्रिसमस ट्री और यहाँ पे क्यों रखा है इन नन्हे मुन्नों की वजह से बिकॉज़ ये लोग यहाँ से भी चीज़ें अभी उतार रहे हैं तो अगर नीचे लगी होती तो क्या ऑर्नामेंट्स का हाल होता तो इसलिए यहाँ पर लगा दिए हैं। और बाकी एनी लोग वहाँ पर हेल्प करा रहे हैं और मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ साथ कर रहे हैं सारा काम। और अभी टाइम है 10:30 का 11 बजे ही बाद होता है आराम से तो बाकी जो है अभी एकदम सही है सारा नीट नीट से लग रहा है। क्रिसमस फाइव जाने स्टार्ट हो चुकी है हॉल में और क्रिसमस का यही मज़ा आता है इबादतों में भी क्रिसमस ट्री हो पीछे पैगाम चल रहा हो गीत लगे हों मज़ा आ जाता है। और ये लोग यहाँ पर अब तबला वगैरह सेट कर रहे हैं और वहाँ पर बुफर हेडफोन्स पड़े हुए हैं सॉरी तो ये इन पे हम लोगों ने गीत लगाए हुए थे तो सही लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे। हाँ इसकी अपनी बातें जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो भाई यहाँ पे हम लोग तीनों खड़े होंगे या चार जितने जिन्होंने ब्लू पहने ज़्यादातर ने ब्लू ही पहने हुए हैं एनी ने भी ब्लू और मैंने यहाँ ब्लू कोट पहना हुआ है जेम्स ने भी ब्लू पहना है उसने भी ब्लू पहना है भाग ब्लू पहना है तो यहाँ पे है चर्च लगा हुआ और वहाँ क्रिसमस ट्री और मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो चलो चर्च करते हैं। भाई यहाँ पे बाहर तो चल रहा है चर्च लेकिन जो है मसला ये हुआ कि जो है ये तंग आ गया था थोड़ा सा मतलब बाहर तो फिर मैं इसको अंदर ले आया मैंने कहा क्या ही ये रो रहा है चर्च में फिर मज़ा नहीं ना आएगा तो यहाँ भी देख रहे हैं माशा तमाशा और यहाँ भी बैठा हुआ है और मैं भी अंदर आ गया थी लेकर। और बाकी अभी ये सीन चल रहा है कल का बता रहा डेकोरेशन कैसा हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है ऐसे और बता रहा कमेंट सेक्शन में। तो अभी सारा चर्च ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सारे बच्चे खेल वगैरह रहे हम मतलब जेरी भी इधर ही जोशवा
रजफट टीवी। और अभी हम लोग इस व्लॉग को करते हैं एंड। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, क्रिसमस ट्री बनाने को दिखाया और चर्च वगैरह भी ख़त्म हो चुका है। और चर्च भी मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाया, उस व्लॉग को करते हैं एंड। नहीं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग मतलब पहले बार टेक कर।